मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रत्येक सोमवार को प्रदेश के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जनसुनवाई करते हैं और आज भी जनसुनवाई में प्रदेश के सभी क्षेत्रों से फरियादी समस्याएं लेकर पहुंचे। सीएम अशोक गहलोत ने लोगों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। जनसुनवाई में एकीकृत कर्मचारी महासंघ ने सामंत कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। सीएम गहलोत ने कर्मचारियों को उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। इस जनसुनवाई में EWS आरक्षण में अचल संपत्ति के प्रावधान को हटाने पर प्रदेश भर से कई प्रतिनिधि मंडल ने आभार जताया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की जनसुनवाई में कर्मचारी महासंघ एकीकृत का मांग पत्र था जो वो उन्हें सौंपा, और जिसमें मुख्य मांगे जो 30 अक्टूबर 2017 की कटौती और जो डीए राज्य सरकार ने जुलाई से डीए बाकी हमारा केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया, तो राज्य सरकार को डीए घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने निवेदन किया है, और जो कटौती है उनको लेकर, और सामंत कमेटी है जो सामंत कमेटी ने राज्य सरकार को अपनी कमेटी का जो दे दिया उसके बावजूद भी सरकार उसको नहीं ओपन नहीं किया ना लागू किया है, तो हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है महासंघ के डेलीगेशन के साथ कि जल्दी से जल्दी सामंत कमेटी को लागू किया जाए। आदरणीय अशोक जी गहलोत की जो छवि है एक जननेता के रूप में है, इन्होंने EWS सवर्णों को जो आरक्षण दिया है वो काबिले तारीफ है, उसका हम सच्चे मन से स्वागत करते हैं। जहाँ तक इनकी सदस्यता का सवाल है, जननायक मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में एक साल के कार्यकाल में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, हम मुख्यमंत्री जी से मिले और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।